नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रसोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। भाजपा ने धर्मेंद्र कश्यप को फिर से बनाया आंवला सीट से प्रत्याशी। भाजपा ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप को फिर से आंवला सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आंवला सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ही दो बार विधायक रह चुके नीरज मौर्या को टिकट दिया जा चुका है। ऐसे में आंवला में पिछड़ी जाति के दो दमदार नेताओं के बीच मुकाबले की बिसात सज गई है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र कश्यप लगातार दो बार आंवला सीट से चुनाव जीतकर सांसद चुने जा चुके हैं। 2014 में उन्होंने सपा के कुंवर सर्वराज सिंह को तो 2019 में सपा बसपा गठबंधन की प्रत्याशी रही बिजनौर राजघराने की रुचि वीरा को हराकर जीत हासिल करी थी। वहीं पहली सूची में बरेली लोकसभा सीट पर अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। बड़ा बाईपास पर पीएनबी मैनेजर की कार पर पलटा ट्रक। बीती रात रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी के बीच बड़ा बाईपास पर बिलवा के पास दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में जौ भरा ट्रक बराबर से चल रही कार पर पलट गया। इससे कार में सवार पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हेमंत कुमार राणा दब गए और हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कार से हटवाने के लिए जेसीबी बुलवाई। तब तक बैंक मैनेजर की सांसें थम चुकी थीं। इसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाने के प्रयास शुरू करे। मृतक हेमंत कुमार राणा रामपुर में बैंक से लौट रहे थे। वो इज्जत नगर की डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले थे। मूल रूप से उत्तराखंड में सितारगंज के रहने वाले थे। हेमंत अविवाहित थे। कहाँ रहते हैं? डिफेंस कॉलोनी। क्या हादसा हुआ था भाई के साथ? ट्रक में माल था, उसने क्या कहता है कल वापस इसकी गाड़ी में। कहाँ पर पलटा था ट्रक? क्या करते थे भाई आप? बैंक। किस चीज से थे भाई आपके? शाखा पर। कहाँ से आ रहे थे? बहुत से लास्ट। कब का हादसा है? कल शाम का, 1 तारीख का। तो मौके पर ही मौत हो गई थी? मौके पर ही। शादी हो रखी थी? नहीं। खेत में पानी लगाते वक्त उतरा करंट, युवक की मौत। सिबीगंज के गांव मोहित में रहने वाले 45 वर्षीय इंद्रदेव शनिवार सुबह खेत में पानी लगा रहे थे, तभी अचानक सेफ्टी लाइन में करंट उतर आया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुभाष, कहाँ रहते हो? थाना कौन सा लगता है? ये कौन थे तुम्हारे भैया? क्या नाम था इनका? इंद्रदेव। क्या घटना हुई थी इनके साथ? पानी लगा रहे थे खेत में, बत्ती से करंट लग गया। अच्छा। लापता ई रिक्शा चालक का एलादपुर चौकी के पास मिला शव। 28 फरवरी से लापता चल रहे हाफिजगंज के रिठौरा निवासी ई रिक्शा चालक हेतराम का शव शनिवार सुबह एलादपुर पुलिस चौकी के पास पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 28 फरवरी को ई रिक्शा से मछली व्यापारियों को लेकर डोहरा लालपुर बाजार गए थे। शाम को उन्हें लेने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते से ही लापता हो गए थे। अब उनका शव पड़ा मिला है, जबकि ई रिक्शा बारादरी थाने में खड़ा मिला है। नाम था आपका? राजेंद्र कुमार, भाई बंधु। अच्छा, क्या हुआ था? ये 28 तारीख को टुकटुक लेकर निकले थे, सुबह वहाँ से लेकर आए थे मछली वालों को बाजार में बेचने के लिए। शाम को फिर उन्हें लेने जा रहे थे। अच्छा, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाए। कहाँ जा रहे थे ये मछली? डोरा लालपुर बाजार। कहाँ के रहने वाले थे ये? पिठौरा के। फिर कब से गायब थे ये? 28 तारीख। फिर यहाँ पर कैसे मिले आपको? यहाँ क्या, हम सुबह आ रहे थे बरेली के लिए, गाड़ी बनने के लिए। तो मतलब महाराष्ट्र से हमको हमारे टाउन चौकी पर गाड़ी खड़ी नजर आ गई, तो हम वहीं रुके, वहाँ से जानकारी ली। अच्छा। उन्होंने ये बताया था कि गाड़ी हमको गुलाबाटी हालत में इंतजार चौराहे मिली है। अच्छा। हमने हालात खड़ी कर लिए। अब लगता तो ऐसा ही है कि मतलब बॉडी कहीं है, गाड़ी कहीं है, शंका तो हत्या की लग रही है। हत्या करके रोड फेंक दी गई। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार तो चार लड़कियाँ हैं। कचहरी के पास दो दुकानों से चोरों ने उड़ाया हजारों का सामान। किला निवासी मनोज की कचहरी के पास फोटो स्टेट की दुकान है। वह बीती रात करीब 10 बजे दुकान बंद करके घर चले गए। देर रात चोर पीछे से दुकान की दीवार काटकर घुस आए और हजारों का सामान व नकदी चुरा ली। फिर चोर कुर्मांचल नगर निवासी जोशी की दुकान से भी हजारों का सामान लूट कर भाग गए। शनिवार सुबह जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। सीएम योगी ने अन्नपूर्णा मॉडल स्टोर का किया वर्चुअली उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बरेली में बनी एक दर्जन अन्नपूर्णा मॉडल शॉप का वर्चुअली उद्घाटन करा। इस दौरान आंवला में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने फीता काटकर अन्नपूर्णा मॉडल स्टोर का उद्घाटन करा। अन्नपूर्णा मॉडल स्टोर में एक छत के नीचे सरकारी राशन समेत सभी प्रकार की पेंशन, आय, जाति प्रमाण पत्र और ई स्टाम्प मिलेंगे।
शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए व्यापारी से 9 लाख की ठगी। शास्त्री नगर निवासी व्यापारी अमित कंचन और उनके साथियों से साइबर ठगों ने द्रो शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए लाखों का निवेश कराया। शुरुआती छोटे निवेश में व्यापारियों को थोड़ा लाभ दिलाया तो उन्होंने निवेश की रकम बढ़ा दी। अब 2 दिन से ऐप और एजेंट के नंबर बंद आ रहे हैं। ठगी का एहसास होने पर शनिवार को व्यापारी SSP ऑफिस पहुंचे और शिकायत करी। SSP ने साइबर सेल को मुकदमा दर्ज करके जांच के निर्देश दिए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कंचन है। कहाँ रहते हैं? मैं शास्त्री नगर का निवासी हूँ और अपना एक पैथोलॉजी लैब चलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं शुरू से मतलब काफ़ी समय से ट्रेडिंग का काम करता हूँ। ट्रेडिंग मतलब शेयर खरीदना बेचने का, मतलब हर कोई अपनी इनकम को डबल करने के लिए, कुछ मुनाफे के लिए करना चाहता है। मेरे पास पिछले कुछ समय पहले एक फ़ोन आता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं? मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे क्या करते हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इसे से ख़रीदता हूँ और अपना बेचता हूँ, ये करता हूँ। तो बोले आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, हम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करवाएंगे। ठीक है, मैं उनके उन्हें जो लिंक दिया, जो ऐप उन्होंने खुलवाया, उसमें मैंने सम्मिलित हो गया। शुरुआत में मैंने उसमें 30,000 रुपये लगाए। उन्होंने मुझे पहले प्रॉफिट करवाया, फिर एक दिन उन्होंने मुझे मोटा प्रॉफिट करवाया 2,35,000 रुपये का, जिस पर मैंने विड्रॉ मान लिया अपना पैसा 2,25,000 रुपये मैंने विड्रॉ कर लिए। ऐसे ही धीरे धीरे वो पैसा बढ़ता चला गया। एक बार उन्होंने 6,85,000 रुपये मुझे कमाए, तो फिर वो ऐसे ही आगे पैसा बढ़ता चला गया। हम पैसा डालते रहे और पढ़ते रहे। आज मेरे ऐप में 66 लाख रुपये मेरे को उस ऐप में दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले परसों से या 2 दिन पहले से अब वो ऐप काम करना बंद कर चुका है। कोई भी जिनसे लोगों से मेरे संपर्क थे वो नंबर अब नहीं उठा रहे, फ़ोन बंद जा रहे हैं। और जिनसे मेरी चैटिंग होती थी, जो बात होती थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और कोई पर्सनल चैटिंग भी जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन अदर से अगर अदर नंबर से किसी से हम चैटिंग करते हैं उस नंबर पे, तो उसको वो रिवर्ट कर रहे हैं, मेरे को रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। उस चक्कर में मेरी जो कुल लागत है करीब 10 लाख रुपये के आसपास, जो इस समय मेरे ऐप में दिखाई दे रहा है वो 66 लाख। बारिश और तेज हवाओं से लौटी ठंड, फसलों को नुकसान। बारिश और तेज हवाओं से शनिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई और काले बादल छाए रहे। बेमौसम बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। रविवार को तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। उधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में आलू समेत अन्य फसलें तैयार खड़ी हैं। बारिश के साथ तेज हवाओं से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। संकल्प पत्र के लिए जनता से सुझाव एकत्र करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रजक्षेत्र दुर्विजय सिंह शाक, सांसद संतोष गंगवार और सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पार्टी के घोषणा संकल्प पत्र विकसित भारत मोदी की गारंटी के राष्ट्रव्यापी अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के जरिए 1 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव एकत्रित किए जाएंगे और उसके अनुसार पार्टी अपना घोषणा संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा ने अपने 2014-2019 के घोषणा संकल्प पत्र के सभी बिंदुओं को पूरा किया है। प्रेस वार्ता में सभी विधायक समेत पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।